अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हमारी आज की इस रेसिपी का नाम है फ़िश फ्राई, और आज आप सीखेंगे कि किस तरह इस रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी को अपने घर पे बना सकते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। 1 kg ले लें फ़िश फिलेट्स। गरम मसाले में 2 दालचीनी के टुकड़े ले लें, 1/2 teaspoon ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1/2 teaspoon काली मिर्चें, 2 अदद बादियान, 1 चम्मच सूखा धनिया, 5-6 लौंग के दाने। इन सारे मसालों को आप 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें हल्की आँच पर। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची का पाउडर 2 चम्मच, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच आप सिरका ऐड कर लें। अब सारे फ्राइड मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। इस सारे प्रोसेस के बाद हम फ़िश को मैरिनेशन के लिए रेडी करेंगे। सारे मसाले आपने फ़िश के अंदर ऐड कर देने हैं। 1 घंटा के लिए आपने फ़िश को मैरिनेट करना है ताकि सारे जो मसाले हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने ग्राइंड किए हुए गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दें, यही पेस्ट फ़िश की स्मेल को ख़त्म करने में हेल्प करेगा, जायके को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम लीमू भी ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप मसाले को बिल्कुल अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें सारी फ़िश फिलेट्स के ऊपर। 1 घंटे के लिए हमने इसको मैरिनेट करके रखना है। जो हमें यहाँ पे चटपटे से स्पाइसेस ऐड किए हैं, जो भी मसाले ऐड किए हैं, वो सारे के सारे ताकि इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं और हमें बहुत ही खूबसूरत सा टेस्ट मिले। अब देखिए, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे मसाले पूरी फ़िश पे अच्छी तरह से स्प्रेड हो गए हैं। अब आप इसको 1 घंटे के लिए रख दें, चाहे तो आप फ्रिज में रख दें, अदरवाइज़ वैसे भी ठीक है, या फिर आप इसको स्टोर करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। फिर चाहे आप इसको 2 दिन के बाद भी पकाएँ, ये अच्छा टेस्ट देगा। फ़िश मैरिनेट होने के बाद आप पैन में 1 कप घी ले लें। आप चाहे तो डीप फ्राई कर लें, वरना सरफेस फ्राई भी ठीक है। जब आपको लगे कि ये अंदर तक गल गए हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तब आप इनको प्लेट में ले लें और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ये डाइनिंग टेबल पर बहुत ही खूबसूरत लगे, तो आप प्याज़, खीरे, टमाटर का सैलेड बनाकर इसको अच्छी तरह से डेकोरेट कर लें, और साथ में चटनी भी रख लें, गरम गरम नान भी रख लें, चाहे तो चावल भी रख सकते हैं। इस तरह की मज़ेदार डिश बनाएंगे तो मेहमान भी आपके दीवाने हो जाएंगे और उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, हो सकता है कि आपके हाथ चूम लें। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है तो आप एक लाइक तो बनता ही है, और दूसरा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर कर दें। थैंक यू।